डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक और नया प्रैक्टिकल आपका ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 4, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ओके, यानी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करके हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ढूंढें। तो पहले हम देखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या है। सपोज ये हमारे पास सेल है, उसका पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। अब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होती है? सेल तो किसी मटेरियल की बनी होती है, केमिकल्स, उसमें इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं या आयन्स मूव करते हैं, तो उनको जो ये मटेरियल उसका रेजिस्टेंस ऑफर करता है उसके फ्लो में, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। वही हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, लेट अस सपोज दैट ये जो सेल है इसका EMF ई है। ठीक, इसको हमने कनेक्ट किया बाहर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से। ठीक, ये रेजिस्टेंस आर है। नाउ करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड फ्लोज थ्रू दिस रेजिस्टेंस आर, सो देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप आई आर। ऑल्सो करंट फ्लोज थ्रू दिस, ठीक है ना, एंड इन टू द सेल, सो आई देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑल्सो हेयर, दैट इज आर आई। नाउ टोटल EMF ऑफ द सेल E कैन बी रिटन एज, एक तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है आर आई, और यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस अक्रॉस क्या होता है कैपिटल आर आई। ठीक, अगर हम I कॉमन निकाले, E इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आई। ठीक है, और E इज इक्वल टू R प्लस आर इंटू आई। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर, तो R किसके बराबर, सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर और I इज इक्वल टू V बाय आर। तो यहां पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, E विल बी इक्वल टू E बाय R प्लस आर, यहां आप वैल्यू दे दीजिए V बाय आर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे फॉर R, तो ये क्या आएगा E, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगा आर आर ये आएगा, वी को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे वी आर प्लस वी कैपिटल आर। ठीक है, अब आर को इस साइड में ले जाओ, सो आर कॉमन निकालेंगे, इट विल बी ई माइनस वी। ठीक है, ई माइनस वी कॉमन निकाल के यहां पर क्या है आपका, अब यहां पर वी आर है। ठीक, तो आर किसके बराबर बनी, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, यहां पर लिखूंगा मैं ये, सो इट विल बी R, इसको जब V से डिवाइड करेंगे यहां रहेगा V by, E by V और V by V 1 बनेगा, सो इट विल बी ऐसे लिखेंगे E माइनस V डिवाइडेड by V, ये आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस R आ जाएगी। ठीक है, या यहां मैं लिखूं R इज इक्वल टू R इंटू E माइनस V by V। ठीक है, ये रिलेशन फॉर डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो ये रिलेशन है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, कैपिटल आर, ईएमएफ ऑफ सेल एंड पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, लेट अस सपोज दैट वी हैव अ वायर हियर हैविंग सम लेंथ, लेट अस से 10 मीटर्स और 4 मीटर, लेट अस से 4 मीटर एल लेंथ है 4 मीटर की, फॉर एग्जाम्पल। नाउ वी पास अ स्टेडी करंट आई थ्रू इट, स्टेडी करंट, ठीक है, स्टेडी मीन्स कॉन्स्टेंट करंट, जहां बैटरी ज्वाइन करेंगे उसकी वजह से स्टेडी करंट पास करेंगे। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेट अस से ए इस वायर का, और रेजिस्टिविटी रो है, ये आप लोग जानते हो। नाउ वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वी इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस वायर वी इज इक्वल टू आई आर। नाउ ऑल्सो आर इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ बाई एरिया, तो अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट आर के बदले में ये वैल्यू कर दे तो वी किसके बराबर आएगा, इट विल बी आई, तो होगा रो एल बाई ए। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, आई रो ए ये अलग से लिखेंगे तो एल। नाउ आई कॉन्स्टेंट है, ए भी कॉन्स्टेंट है, एरिया ऑफ वायर और रेजिस्टिविटी भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम कहते हैं द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट मींस वी इज इक्वल टू के इनटू एल, और वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है,
So potential drop or cost of wire through which a steady current passes is directly proportional to length. उसका मतलब क्या होता है? Now देखिए, अगर ये वायर है, समझो 4 meter की, 1, 2, 3 और 4 meter, ठीक है? तो ये 1 meter है, 2 meter हो गया यहाँ, 3 meter हो गया यहाँ, 4 meter हो गया यहाँ, 0 meter यहाँ. तो अगर हमने यहाँ से एक सेल लगा दी, जिसका EMF E है 8 volt, ठीक है? अब हमने यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक? यहाँ टच करवा दिया वायर के साथ, तो यहाँ कितना दिखाएगा वोल्ट? क्योंकि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना होना चाहिए? 8 volt, यहाँ 0, यहाँ 8. तो यहाँ पर कितना दिखाएगा हमारा वोल्ट मीटर? वो दिखाएगा आपको, देखिए 2, 4, 6, 8, तो यहाँ दिखाएगा 2 volt, ठीक है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालोगे आप? के वो हो गया, वी कितना दिखाएगा? 2 volts, और डिस्टेंस कितनी है? 1 meter, लेंथ क्या है? 1 meter, सो 2 volt per meter, 2 volt per meter. अब जब यहाँ पर, अगर यहाँ नहीं टच करवाया, इस पॉइंट पे टच करवाया, तो ये कितना वोल्टेज दिखाएगा? ये दिखाएगा 4, तो के क्या होगा? 4, लेकिन अब मीटर कितने हो गए? 2, ठीक है? तो 2, अगेन इट विल बी 2 volt per meter. इसी तरह से यहाँ दिखाएगा 6, लेकिन मीटर कितने होंगे? 3, सो 3, 6 divided by 3, दैट विल बी अगेन 2 volt per meter. तो यहाँ पर भी निकलेगा 2 volt per meter. तो वोल्ट पर मीटर किसका यूनिट है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का, वोल्ट पर मीटर इसका यूनिट, ठीक है ना? ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूनिट है इसका वोल्ट पर मिलीमीटर, क्योंकि वहां स्केल लगी होती है पोटेंशियोमीटर के साथ मिलीमीटर की, तो मिलीमीटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप दिखा था. तो प्रिंसिपल क्या हो गया? वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है यहां तक. अब है तीसरा आपका, नल पॉइंट कैसे आता है? सपोज ये हमारे पास एक वायर है, नल पॉइंट कैसे आता है? नल पॉइंट तब होता है जब सर्किट में उस सर्किट से कोई करंट न जा रही हो. नल पॉइंट कैसे आता है, ठीक है? देखिए, सपोज ये पॉइंट है ए बी, यहां हमने एक सेल लगाई, उसका ईएमएफ लेट अस से ई है, E1 है, ठीक? यहां पर एक और सेल इसके साथ लगाई ऐसे पॉजिटिव, ठीक है? और यहां हमने समझो लगाई गैल्वेनोमीटर, ठीक है? यहां एक जॉकी है जो इस वायर के साथ टच करता है, ठीक है? अब देखिए, यहां इसका ईएमएफ E2 है. अब यहां से करंट चलना स्टार्ट होगी, इसको यहां से करंट चलना स्टार्ट होगी, ठीक? तो अगर ईएमएफ इज ग्रेटर देन E2, तो ये जो करंट आएगी, क्योंकि ये ज्यादा है तो करंट ऐसे बहेगी, ठीक? बात समझ में आई? तो अगर E2 ग्रेटर देन E1 है, तो फिर करंट यहां से आके ऐसे चलेगी, ठीक है? बात समझ में आई? अब अगर ये पोटेंशियल ड्रॉप अगर दोनों इक्वल होंगी, देखो ऐसे में फिर से दिखाता हूं, यहां पर देखो ये E1 है पॉजिटिव, ये समझो E2 है पॉजिटिव, ये E1 है, ये E2 है, ठीक? करंट यहां से बह रही इसकी वजह से, यहां बहनी चाहिए इसकी वजह से. अगर इसका EMF E1 ज्यादा हुआ तो ये वाली करंट डोमिनेट होगी, तो ये वाली नहीं होगी, ठीक? अगर अब E2 बड़ा है किसे? E1 से, तो इस डायरेक्शन में करंट बहेगी, ठीक? लेकिन अगर E1 बराबर है E2 के, यानी EMF E1 is called E2, तो फिर दोनों इक्वली स्ट्रांग है, देयर विल बी नो करंट, दैट इज नल डिफ्लेक्शन. गैल्वेनोमीटर दिखाएगा नल डिफ्लेक्शन, ठीक है? अब जो पोटेंशियोमीटर में क्या होता है, जब हम यहां, जब करंट तो बहती है, क्योंकि E1 हमेशा, ऑक्सिलरी बैटरी हमेशा ग्रेटर देन E2 होता है, जिस सेल की हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढनी है, ठीक? तो अब जब ये ज्यादा, तो इसकी वजह से करंट बहेगी. अब जब यहां देखेंगे तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा. यहां पर जब पहुंचेंगे, इसका पोटेंशियल ड्रॉप और इसका पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तो तब क्या सिचुएशन आएगी? ये वाली, तो कोई करंट सर्किट में नहीं बहेगी, तो गैल्वेनोमीटर हमें नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा, नो करंट विल बी पास. तब इसका EMF इसके EMF के यहां तक, इसके EMF नहीं, इसका EMF तो पूरा हो गया, जितना यहां फॉल होगा तो वो इसका EMF होगा, ठीक है? तो वो हम वहां फिर निकालते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला. ओके, अब पोटेंशियोमीटर का सर्किट,
ये देखिए, ये सर्किट डायग्राम है फॉर मेजरिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये पोटेंशियोमीटर है जिसकी चार यहाँ पॉइंट पी से स्टार्ट होती है, एक मीटर की लेंथ वायर की, फिर यहाँ जुड़ी होती है हो गई 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर नहीं 300 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 400 सेंटीमीटर। ये मेटल स्ट्रिप्स होती हैं थिक, इनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, सो दैट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। ये है आपका ये ड्राइवर सर्किट जो इस सर्किट को ड्राइव करेगा, ठीक, या ऑक्सिलरी सर्किट। इसमें इस पॉइंट से इसको मैं 0 पॉइंट कहूँगा, ठीक है ना, इसको 400 पॉइंट या क्यू पॉइंट। तो यहाँ रियोस्टेट लगा होता है, उसका जो एंड इसके वेरिएबल पे लगता है, वहाँ से जाके रियोस्टेट का सेकंड जो है एंड वो एमीमीटर के साथ लगता है और उसका नेगेटिव की वन के साथ, और फिर ये ऑक्सिलरी बैटरी और ड्राइविंग बैटरी जिसका ईएमएफ ई डैश है वो इस सेल से जिसका हमें इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढनी है उससे ज़्यादा है, ई डैश ज़्यादा है ई से, वरना यहाँ नल पॉइंट नहीं आएगा, ठीक। तो ये पॉजिटिव इसका इस बैटरी का यहाँ पर, तो ये हो गया ऑक्सिलरी सर्किट। अब जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस ढूंढनी है वो ये सेल है, ठीक, तो उसमें उसका भी पॉजिटिव हम यही जोड़ते हैं, यानी दोनों का पॉजिटिव, इस सेल का भी और इस सेल का भी पॉजिटिव यहाँ पर। इसका नेगेटिव एक तो जाता है सीरीज रेजिस्टेंस बॉक्स जो गैलोनमीटर के साथ, जी के साथ, ये इसलिए होता है ताकि गैलोनमीटर से ज़्यादा करंट ना पास हो जाए, वो डैमेज हो जाए, इस वजह से ये लगाया जाता है। उसका एक एंड यहाँ जॉकी से बैलेंसिंग लेंगथ, यानी नाल पॉइंट जहाँ आएगा तो वो बैलेंसिंग लेंगथ आएगी हमारे पास, नाल पॉइंट में ये कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक और सर्किट में यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसको कहते हैं शंट रेजिस्टर, SHUNT, शंट, यानी जिसके ये सेल के पैरेलल लगा होता है। जब सेल से करंट जाएगी तो यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, बिकॉज वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ K2 है, ये तब हम ऑन करेंगे जब हम ये रेजिस्टेंस इसमें ये इसको शंट रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल देंगे इस बॉक्स से। तो ये हो गया इसका सर्किट। अब देखिए स्टेप वन में क्या करते हैं, हम की टू को ऑफ ही रखते हैं, नहीं प्लग इन करते हैं, की वन को प्लग इन करते हैं, ठीक। तो करंट यहाँ से जाएगी, ठीक, तो जब करंट इस से जाएगी, ठीक है, तो करंट इससे जाएगी तो ये जॉकी हम यहाँ पर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये जॉकी को हम ऐसे ऐसे इस पर देखेंगे तो जहाँ पर ये हमें नल डिफ्लेक्शन है, कोई जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है, उस वक्त इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ यहाँ तक पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता है, ठीक। तो चूंकि हमने सेल से कोई करंट नहीं निकाली है तो ये क्या दिखाएगा तब, ईएमएफ इसका, वो मैंने बोला नाल पॉइंट का प्रिंसिपल से इससे पहले आपको, देखिए, सो ई विल बी प्रोपोर्शनल टू एल वन, लेट एल वन बी द बैलेंसिंग लेंथ, यानी यहाँ से यहाँ तक जितनी तार की आ गई ये बैलेंसिंग लेंथ एल वन। तो मापते कैसे हैं, देखो पहली तार को जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक, 100 यहाँ हो गया, फिर दूसरी तार का जीरो स्टार्ट होता है, जीरो यहाँ आ गया 200, फिर तीसरी तार का जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, हो गया 300, फिर चौथी तार का जीरो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ 400, तो बैलेंसिंग लेंथ एल आ गई। अब स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ये की ऑन करेंगे दोनों, ये भी और ये भी, ठीक। अब फिर से हम बैलेंसिंग लेंथ देखते हैं, बैलेंसिंग लेंथ मिसाल के तौर पर यहाँ पर आ गई, थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि अब फॉल ऑफ पोटेंशियल हो गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया इसे, उस वजह से ये जो कि यहाँ पर जो है जे डैश पे बैलेंसिंग लेंथ एल टू आएगी। तो अब क्या होगा, अब ईएमएफ नहीं, चूंकि हम सेल से करंट ड्रॉ करें, अब पोटेंशियल डिफरेंस वी होगी, सो वी विल बी प्रोपोर्शनल टू बैलेंसिंग लेंथ एल टू, ठीक। अब आपको ये पता है कि ये तो प्रिंसिपल है पोटेंशियल मीटर का, ईएमएफ और पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, ठीक है। अब हमने अभी निकाली थी आर की जो एक्सप्रेशन दी थी इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट वाज E माइनस वी बाई वी इंटू आर, ठीक है। R क्या होता है, जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने यहाँ शंट रेजिस्टेंस निकाली थी, तो R किसके बराबर होगा, यहाँ मैं इसको ऐसे भी लिखूंगा, E बाई वी माइनस वन इंटू आर। नाउ E बाई वी, इन दो को अगर डिवाइड करेंगे, E बाई वी विल बी इक्वल टू एल वन बाई एल टू, तो यहाँ आप लिखो R इज इक्वल टू E बाई वी एल वन बाई एल टू, एल वन बाई एल टू माइनस वन इंटू आर, आर जो यहाँ पर हमने निकाली होगी जितनी ओम की, 1, 2, 3 ओम, ठीक, तो वो यहाँ वैल्यू देना है। सो एल, इसको एल से निकालो, एल वन माइनस एल टू डिवाइड बाई एल टू इंटू आर ओम, ये होगी इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
पहले हम इस की को ऑन करेंगे, ठीक, इसको शंट रेजिस्टेंस की इसको ऑन नहीं करेंगे, ठीक, यानी शंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे बैलेंसिंग लेंगे तो एल वन, ठीक, तो फिर यहाँ जो करंट होगी उसमें रखेंगे, ठीक, मैक्सिमम करेंगे कोशिश लाने की, ठीक, तो बैलेंसिंग एल वन आएगी, ठीक है ना। तो फिर हम देखेंगे इस शंट को आर वन निकाला, कुछ रेजिस्टेंस यहाँ से निकाली, तो फिर देखिए हमने जे डैश यानी जब एल टू आ गई, फिर हम इसको दोबारा करंट चेंज नहीं करेंगे, हम यही करंट रखेंगे, यानी एल वन का जो बैलेंसिंग लेंथ आया वो वही रहेगा जो पहले था, उसको हम चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ अगर पहली बार हमने 1 ओम निकाली, फिर 2 ओम निकालेंगे, फिर चेक करेंगे बैलेंसिंग लेंथ, तो बैलेंसिंग लेंथ एल टू आएगी, तो हमें एल वन सभी स्टेप्स में सेम रहेगा, लेकिन L2 है वो किस पे डिपेंड करेगा, हमने यहाँ से कितनी रेजिस्टेंस निकाली। फिर हम अकॉर्डिंगली फिर इस फार्मूला में देंगे जो R1 का पहले वैल्यू क्या था, फिर R का वैल्यू क्या था, फिर R, फिर मतलब जब दूसरी बार निकाला R तो फिर L2 का वैल्यू क्या था, L, फिर अगेन L2 R, फिर कोई रेजिस्टेंस यहाँ से निकाले, फिर यहाँ, तो बुक्स में लिखा होता है कि करंट चेंज करो, फिर से EMF ढूंढो, फिर से यहाँ ये बैलेंसिंग लेंथ ढूंढो, ठीक। तो उससे बेहतर है कि आसान तरीका करें, एक बार हम L1 ढूंढ ले और वो उसकी रीडिंग हम वही रखेंगे, और तीन बार यहाँ या तीन या चार बार यहाँ रेजिस्टेंस के डिफरेंट वैल्यू निकालें और डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ देखें, ठीक। तो इसका तो बैलेंसिंग पॉइंट पहला ही रहेगा, ओके। पहले इसकी एपरेटस क्या क्या जरूरत है हमें, ये है ये पोटेंशियोमीटर, इसकी 4 वायर्स हैं, 10 भी हो सकती हैं, ठीक, और ये स्केल है, ये 0 है, ठीक, ये गैल्वानोमीटर है, ठीक, ठीक है, ये गैल्वानोमीटर है, इसे करंट मेजर करते, करंट इसमें देखते हैं कि है कि नहीं, ये रेजिस्टेंस बॉक्स है 2, ठीक है ना, तो एक शंट के लिए लगती है, दूसरे गैल्वानोमीटर को करंट ज़्यादा करंट से बचाने के लिए उस पर ये लगाते हैं सीरीज में, ताकि गैल्वानोमीटर डैमेज ना हो जाए। ये हमारे पास ड्राई सेल है, इसकी हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं प्राइमरी सेल या वो ड्राई सेल जिसकी हमें ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है। और ये हमारे लेक्लांची सेल भी होती है, डैनियल सेल भी, यहाँ पर चूंकि वो अवेलेबल नहीं है इसलिए यहाँ पर हमने इस ड्राई सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है, ठीक। दूसरा है ये आपकी जो प्राइमरी सेल है, ड्राइवर सेल या ऑक्सिलरी बैटरी, इसको हम प्राइमरी ऑक्सिलरी सर्किट में लगेंगे जो ड्राइव इस पोटेंशियोमीटर को ड्राइव करेगी, ठीक। EMF इस जिस बैटरी का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालनी है उसे ज़्यादा होना चाहिए, वरना नाल पॉइंट इस पे नहीं आएगा, ठीक। नाल पॉइंट वो होता है जब गैल्वानोमीटर की जब टच कराएंगे ये जॉकी, तो जॉकी होता क्या है, ये है जॉकी, ठीक है, इस पर टच करवाएंगे तो गैल्वानोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तब नाल करंट होगी, वो मैंने आपको बोर्ड पे दिखाया नाल वैल्यू कब आता है, ठीक। तीसरा जो है, ये 2 वन वे कीज हैं, एक ये है और दूसरी ये, ठीक। अब मैं जो आपकी जो मैंने बोर्ड पे सर्किट दिखाया आपको उसके हिसाब से इसको जोड़ेंगे, ठीक है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का वो मैंने समझाया आपको, तो अब हम कनेक्शन लेंगे इस सर्किट हिसाब से, तो हम 400 पॉइंट यानी इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे सर्किट को देना, ठीक। देखिए ये 0 पॉइंट एज पर सर्किट ये है, ठीक, ये यहाँ पर मुझे सर हेल्प कर रहे हैं, गुलानबी बार साहब और इश्फाक साहब हेल्प कर रहे हैं, तो उनके बगैर ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल दिखाना, तो ये 400 पॉइंट पे है, तो 400 पॉइंट मैंने आपको बोला ये है, ठीक, तो यहाँ पर हमें लगाना है कनेक्शन, तो ये कनेक्शन कहाँ जाता है, ये कनेक्शन जाता है यहाँ, तो हमने यहाँ ये है इस वेरिएबल को इसको जोड़ दिया, ठीक। रियोस्टेट का दूसरा कनेक्शन जाता है एमीमीटर के पॉजिटिव पर, तो रियोस्टेट का हमने यहाँ पर निकाला ये वाला कनेक्शन नहीं, रियोस्टेट पे हमने निकाला कनेक्शन, और ये कहाँ जाएगा अब एमीमीटर, तो हमारे पास एमीमीटर है, एमीमीटर क्या होता है जो करंट मेजर करता है, इसके पॉजिटिव, तो रेड वाला पॉजिटिव होता है, ठीक, तो इसको हम ये जोड़ देंगे, तार गुश ये हम जोड़ रहे हैं, देखिए ने इसके साथ जोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसका नेगेटिव जो है इसका ये जोड़ देंगे, ये जोड़ना है हमें, नेगेटिव जोड़ना है, देखिए इसका नेगेटिव
जोड़ दिया, की के साथ, की के एक एंड के साथ, वो ये है की, हमने ये जोड़ दिया, ठीक है यहां तक। की का दूसरा एंड जो हमारे ड्राइवर बैटरी है उसके नेगेटिव पे लेना है, ठीक। तो की का ये जो ये बैटरी है इसका नेगेटिव, ठीक है ना, ये नेगेटिव ब्लैक, तो इस पे हमने ये बंद कर दिया। अब नेगेटिव के बाद कौन सा एंड निकलेगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो अब पॉजिटिव एंड से देखना है, पॉजिटिव एंड से कहां जाता है, ये जो पोटेंशियोमीटर है उसके जीरो एंड पे, ठीक है। तो हम यहां लगाएंगे पॉजिटिव एंड से, पॉजिटिव और टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू जीरो टर्मिनल ऑफ व्हाट, पोटेंशियोमीटर। तो बंद कर दिया हमने, तो ये जो पॉजिटिव है ये जाएगा जीरो, ये बैटरी में यहां रखता हूं पॉजिटिव, ये जीरो पॉइंट पे, ठीक है ना। तो यहां कर दिया हमने, तो ये कर दिया हमने यहां पर, तो ये जो है ऑक्सिलरी सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसी पॉइंट से, पॉइंट पी यानी जीरो से, हमें बैटरी जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाले उसके पॉजिटिव पर जाना है। ये देखिए, ये इसका पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो पॉजिटिव कहाँ जाएगा, पॉजिटिव जाएगा किस पे, इसी जीरो एंड पे, यानी दोनों पॉजिटिव बैटरी जीरो एंड पे लगाने हैं। तो ये हमने इसको पॉजिटिव जोड़ दिया, तो ये हमने इसी जीरो एंड पे यानी पी पे लगा दिया, ठीक है। तो इसको हमने अच्छी तरह से बंद कर दिया, तो ये हो गया हमारा एक सर्किट कंप्लीट, ठीक है। सर्किट नेगेटिव जो जिसकी बैटरी का जो उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस निकाली वो कहां जाता है, एक आरबी, आरबी मींस रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है। तो नेगेटिव जो इसका है ये देखिए, ये एंड, ठीक है, ये जाएगा नेगेटिव जो है, ज्वाइन किया इसको हमने, स्क्रू किया पूरा, और ये देखिए ये चला गया रेजिस्टेंस एक बॉक्स, ठीक, रेजिस्टेंस बॉक्स के एक एंड पे। दूसरा एंड ये जो पीछे से दिखाते हैं उसका मतलब ये होता है, की का एक एंड की के दूसरी की जो यहाँ इस सर्किट में लगी वो यहाँ दूसरी की है, ठीक, इसमें जाएगी बैटरी का नेगेटिव एंड। तो नेगेटिव एंड को यहाँ पर फिर से ज्वाइन करेंगे, तो हमने ये ज्वाइन कर दिया, ठीक। की का दूसरा एंड देखिए, की का दूसरा एंड इस रेजिस्टेंस बॉक्स शंट के एक एंड पे जाएगा, ठीक है, ये हमने जोड़ दिया देखिए, ठीक है, आगे हम की का दूसरा एंड, और रेजिस्टेंस जो शंट रेजिस्टेंस है ये वाले शंट रेजिस्टेंस बॉक्स, इसका दूसरा एंड कहां जाता है, बैटरी के पॉजिटिव पर। तो हम इसको अच्छी तरह से बंद करना चाहिए, इन कीज को भी अच्छी तरह से देख रहे। तो ये हमारा शंट रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये कहाँ जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव, तो ये इसका पॉजिटिव ये है, तो निकाल दिया हमने। ठीक है, अब रहा आपका ये गैल्वेनोमीटर, यानी जो सीरीज रेजिस्टर्स है, गैल्वेनोमीटर को हाई करंट से बचाने के लिए उसका एंड एक जाता है, एक तो बंद कर दिया है यहाँ, अब दूसरा एंड गैल्वेनोमीटर पे जाता है। तो लिया हमने गैल्वेनोमीटर, चाहे पॉजिटिव पे रखो नेगेटिव, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा हमने ले लिया गैल्वेनोमीटर पर, ठीक है, ये सीरीज वाली है, ये शंट वाली है, ठीक, शंट वाली। तो यहां से हम ये जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड है वो जॉकी को देंगे, ठीक है। तो ये हमने यहां पर जॉकी को दे दिया ये एंड, ठीक है ना। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हमें टेस्ट करना है कि हमारा ये गैल्वेनोमीटर, ये कनेक्शन ठीक है कि नहीं। तो हम इसको जीरो एंड पहले की इसमें इंसर्ट करेंगे, प्राइमरी सर्किट की, ठीक, ये वाली, ठीक, इसको हमने किया इंसर्ट,
देखिए पहले हम एक एंड गैलोमीटर नहीं जीरो ये पोटेंशियोमीटर पे क्लिक करेंगे, मतलब इसको टच करवाएंगे, देखिए गैलोमीटर राइट को चला गया। अब दूसरे एंड पे 400 लेफ्ट को चला गया, ठीक लेफ्ट एंड, देखिए लेफ्ट का, देखिए लेफ्ट योर राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो हमारा कनेक्शन ठीक है, अगर एक ही साइड में डिफ्लेक्ट होता तो कनेक्शन करेक्ट नहीं है, ठीक। तो हमने देखा कि अब हमने एज पर सर्किट्स कनेक्शन जोड़ दिए और हमने देखा कि कनेक्शंस करेक्ट हैं, एज पर सर्किट कनेक्शन जोड़ दिए और कनेक्शंस करेक्ट हैं। तो अब मैं यहाँ जो ड्राइवर सेल ऑक्सिलरी सेल यहाँ ये सर्किट ऑन करता हूँ, यहाँ मैं की इन करता हूँ, ठीक। तो जब की इन करूँगा तो मैं देखूँगा कि नल पॉइंट कहाँ है। तो यहाँ पर एमीटर में हमने ये करंट रखी है इतनी सी, ठीक, इसमें हम काम ज़्यादा इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो पहले हम देखेंगे नाल डिफ्लेक्शन कहाँ पर है। तो मैं टावर को देखिए, ये देखिए अब स्केल के बारे में भूल गया था बोलना, देखिए ये जो पहली लाइन है इसकी, तो ये ऐसे मेजर करता है, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 तो 100, तो दूसरी तार के लिए ये स्केल, तीसरी तार के लिए ये स्केल और चौथी तार के लिए ये वाली स्केल, ठीक है ना। 1 के लिए ये, 2 के लिए ये, 3 के लिए ये और 4 के लिए ये, ठीक है ना। 2 और 4 के लिए अपर स्केल, 1 और 3 के लिए लोअर स्केल, ठीक है। तो अब हम इसमें नल पॉइंट लाएंगे, ठीक। तो अभी मैंने ये बैटरी को इसमें नहीं डाला है, ठीक है ना, यहाँ की हमने ऑन नहीं की, सिर्फ ऑक्सिलरी बैटरी की। तो अब हम प्राइमरी सर्किट को, ये ऑक्सिलरी सर्किट को ऑन करेंगे, ये की हमने, ये जो की है इसमें ऑन की, ठीक है। रियोस्टेट से हमने यहाँ करंट एडजस्ट की इसमें एमीटर में, ठीक है। तो अब हम इस पे नल पॉइंट देखेंगे, हम 2000 यहाँ निकाल के रखेंगे, ये सीरीज वाला जो गैल्वेनोमीटर को डैमेज करने से बचाता है, वहाँ से निकालेंगे 2000 ताकि करंट इसमें ज़्यादा ना जाए। तो अब हम देखेंगे कहाँ पर आता है ये गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए पहले यहाँ इस वायर पे राइट को जा रहा है, अब दूसरी तीसरी वायर पे लेफ्ट को जा रहा है, तो दूसरी वायर पर हम देख लेंगे। देखिए अभी राइट को जा रहा है, अब मैं थोड़ा सा इसको ले लूं, देखिए अब जीरो पे आ गया, ठीक है। अब देखिए ये कहां पर है, अभी ये हो गया 100, तो 100 यहां से आ गए, तो ये कितना हो गया 100, ये वाली स्केल, ये वाली, ठीक है, 167, तो L1 हो गया 167। अब हम फिर से थोड़ा गौर से देखें, ये 66 है, ठीक है। तो अब हम ये जो शंट रजिस्टर है यहाँ इस बॉक्स में से हम निकालेंगे 1 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। 1 ओम हमने यहाँ इसमें से निकाल ली, ठीक। तो अब यहाँ निकाल दीजिए, तो यहाँ पर हम ये शंट रजिस्टर की वो सर्किट की ऑन करेंगे। अब दोनों की प्लगड है, ये भी ऑक्सिलरी सर्किट की और जो शंट वाली की, ठीक। नाउ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस, इसे पहले EMF देखा था इसने, ठीक। अब इसमें इसकी इंटर रजिस्टर यानी पोटेंशियल ड्रॉप देखेंगे, ठीक। तो अब नल पॉइंट देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन देखिए जीरो है, ठीक। तो लेंथ क्या है, ये हो गया 155, ठीक है, 155.5। तो L2 हो गया आपको 155.5, हाँ, R हमने यूज़ किया 1, कैपिटल R इज इक्वल टू 1। अब दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे कि बुक्स पे दिखाया जाता है कि करंट चेंज करो, या ये हम आसान करेंगे। अब हम पहली रीडिंग वही रखेंगे जो हमें निकला था, क्या निकला था, 166, ठीक है। तो वो वही रहेगा हर एक रीडिंग के लिए। अब हम यहाँ से हम 2 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, 1 को हम प्लग इन कर देंगे, ठीक। तो अब देखेंगे नल पॉइंट कहाँ आएगा, देखिए अब नल पॉइंट देखिए यहां पर, देखिए
ये देखिए ये नल पॉइंट आया, ये आ गया 159 पे, ठीक है 159, ठीक है। तो ये हो गया L2, L1 हमने एक ही रखा है कांस्टेंट। अब हम यहाँ से निकालेंगे 2 और 1 कितनी हो गई 3, 3 ओम रेजिस्टेंस निकालेंगे, या लिखिए R2, लिख ली तो R2। अब हमने यहाँ से निकाली 3 ओम, 2 और 1 3। अब फिर से देखेंगे हमारा नाल पॉइंट L2 देखेंगे फिर से, ठीक। तो अब देखेंगे, देखिए ये 140 आता है, 160 इसके सीध में 160, ठीक है, क्योंकि 60 है ये, यहां तक 100 हो गया, ये 160, ओके। तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। देखिए ये टेबल है, अब हम जो अभी हमने ऑब्जर्वेशंस ली थी वहां पर, अब यहाँ बोर्ड पे लिखेंगे। तो सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये हमारा 166, हमने चूंकि करंट एक ही रखी, वैल्यू चेंज नहीं किया, तो ये L1 हमेशा 166 सेंटीमीटर, ठीक है। L2 इस पे आया था 155.5, ठीक है, और हमने यूज की थी 1, ठीक है। इसी तरह से जब दूसरी ऑब्जर्वेशन ली थी तब आया था 159, ठीक है। और ये हमने 2 ओम निकाली थी, उसके बाद आया 160, तब ये 3 ओम निकाली थी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, R क्या आएगा हमारा, लेट R1, तो वो क्या आएगा 166 माइनस 155, दैट विल बी 100, देखिए L1 166, L2 155.5, सो ये आएगा 4.5 डिवाइडेड बाय 155.5 into R1, तो ये आएगा आपका 0.029, ठीक है ओम। उसके बाद यहां L1 वही रहेगा, सो R2 आपका आएगा L1 166 माइनस 159, तो वो कितना आएगा 159, वो आएगा 7, ठीक है 7 डिवाइडेड बाय 159, L2 159 है 159, ठीक है। तो इनटू डिस्टेंस तब क्या निकाली थी 2 डिस्टेंस बॉक्स से, सो ये आएगा आपका 0.09। अब तीसरा देखिए 166 माइनस 160, तो R3 कितना आएगा 6 डिवाइडेड बाय 166 इनटू 3, ये आएगा आपको, ये आएगा 0.19 अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.19 ओम, ठीक है। तो सॉरी 0.11 ओम, ठीक है। तो यहाँ पर भी चेक कर लेता हूँ ठीक है कि नहीं, 7 डिवाइडेड बाय 159 इज इक्वल टू इंटू 2 इज इक्वल टू, ये भी ठीक है, यहाँ देखेंगे 4.5 into 1.55.5 is equal to 4.5 divided by 155.5 0.029, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट किया, तो R होगा आपका मीन R1 plus R2 plus R3 डिवाइडेड बाई 3, तो वो कितना आएगा, दैट विल बी 0. इसको यहाँ हम ठीक करेंगे, इसको हम 3 लिखेंगे 0.03, ठीक है, प्लस 0.09 प्लस 0.11, ठीक है डिवाइडेड बाई 3, जरा इसको ऐड करो 0.03 प्लस 0.09 प्लस 0.11 इज इक्वल टू That is 0.23 divided by 3. Divided by 3 करेंगे, ये आएगा 0.08, ठीक है ना। So this was your experiment. Thank you.